राम राम एवरीबॉडी, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे हैं फिलहाल, जो रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं इससे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एनटीपीसी का हो, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आते हैं इससे। तो दोस्तों, मैं डिस्कस कर रहा था आपसे टाइप 2 के क्वेश्चंस और इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। पार्ट 16 में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और ये 17वां पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा आपके समझ में आ रहा है, ये सब जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के बीच इसको जितना शेयर आप कर सकें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ठीक है, जैसा भी आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से उसको शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो डाइस का पार्ट 17 है दोस्तों। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देख भी चुके हैं। जैसे आपके पास ये चार फिगर अवेलेबल है और कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, यानी कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास 2 से ज्यादा फिगर्स अवेलेबल हैं, 2 से ज्यादा डाइस अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर सीधा ही रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश करें सबसे पहले। उससे 90% केस ये रहता है कि वहां रूल नंबर 1 से आंसर आ जाता है, जब 4 फिगर होते हैं, 3 फिगर होते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही मैंने बताया कि आप रूल नंबर 1 अप्लाई करें, तो सबसे पहले मैंने रूल नंबर 1 अप्लाई किया, ठीक है। रूल नंबर 1 जब मैंने अप्लाई किया दोस्तों, तो क्या आएगा, आपने देखा कि 3 के विपरीत कितने क्या नंबर आएगा। तो 3 के विपरीत, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होंगे वो 3 के विपरीत ही होंगे, ठीक है। तो 3 को छोड़ करके बाकी वो कितने नंबर बच गए, 5 नंबर बच गए, 1, 2, 3 तो हो नहीं सकता, 4, 5 और 6, ठीक है, ये वाले नंबर मेरे बच गए हैं, 1, 2, 4, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप 3 के विपरीत अंक पूछना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। 3 के विपरीत देखिए, अब आप क्या करेंगे, फिगर में जाएंगे। रूल नंबर 1 हम कैसे अप्लाई करते हैं भाई, फिगर देखेंगे, फिगर के साथ उस नंबर के साथ वाला फिगर देखेंगे और देखेंगे कि इस नंबर के, जैसे यहां पर 3 है, तो 3 के साथ में कौन कौन से अंक आ रहे हैं। जो अंक 3 के साथ आएंगे वो कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3 के साथ में आ रहा है 1 और 6, तो मेरा 1 और 6 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं आएगा। फिगर 2 में जब हम गए तो यहाँ 3 है ही नहीं, छोड़ दो, फिगर 3 में गए तो यहाँ पर 3 है, 3 के साथ में आ रहा है 1 और 5, यानी कि 1 और 5 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं होंगे। फिर आपने फिगर 4 में गए तो यहाँ पर 3 के साथ आ रहा है 2 और 6, यानी कि 2 और 6 कभी भी सॉरी 2 और 6 जो है कभी भी 3 के अपोजिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 के साथ में आ रहा है 2 और 6, ठीक है। तो जो नंबर मेरा बच गया है 4 नंबर, यही मेरा क्या होगा, 3 के अपोजिट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस राइट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन तो भी यही पूछा था हमारे से कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ये चीजें, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद भी रखने होंगे, कुछ ट्रिक ये है कि आपको जैसे 4 फिगर दिख रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम केस एग्जामिनर इस तरीके से डालता है कि आप रूल नंबर 1 से क्वेश्चन निकालें और आंसर पाएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं दोस्तों कि अब आपको 2 से 3 वीडियो में इसको, डाइस को खत्म कर दें और उसके बाद डाइस में कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में वही 4 डाइस दे रखे हैं और वो तो नहीं है, डाइस का जो नंबरिंग है वो चेंज की है। यहाँ पर जो फिगर 1, 2, 3 और 4 करके 4 फिगर दिए गए हैं और आपसे कहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, कौन सा नंबर आएगा। तो बस वही बात है, एक ही रूल है फिक्स है अपना, कि देखिए मैं आपको ये क्यों कह पा रहा हूं कि आप जैसे ही आपको 4 फिगर दिखे तो आप वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश करें। मैक्सिमम केस ये बनता है कि वहां से रूल नंबर 1 से ही आंसर आ जाए हमारा। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है क्वेश्चंस की और वहां से मैंने रिजल्ट निकाला कि
कि यार अगर चार फिगर या तीन फिगर्स अवेलेबल होते हैं तो वहां रूल नंबर वन हमारा काम कर जाता है 90% केसेज में। जब दो फिगर्स अवेलेबल है तो 99% केस में हमारा रूल नंबर फाइव काम कर जाता है, जो क्लॉकवाइज कंसेप्ट है। ये कब बता पा रहा हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी इस चीज को शामिल करें, ठीक है, आपके साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पास चार फिगर है, क्वेश्चन का है कि तीन के अपोजिट कौन कौन से नंबर होंगे। मैंने बहुत क्लियरली आपको बता रखा है कि तीन के अपोजिट, तीन को छोड़ करके जो बाकी नंबर बच गए वही अपोजिट होंगे। तो तीन के अपोजिट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, नहीं हो सकता तीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो खुद के अपोजिट तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो तीन नहीं हो सकता, चार होगा, पांच होगा और छह हो सकता है, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, एक दो चार पांच और छह, इनमें से कोई एक नंबर है जो तीन के अपोजिट हो सकता है, ठीक है। बाकी इनमें से नंबर जो अपोजिट होंगे इनमें से ही होंगे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही ऐसा होगा जो तीन के अपोजिट होगा। अब मैंने आपको एक केस में बताया था दोस्तों कि आप इसके बाद स्टेप देखेंगे, फिगर वन पर जाएंगे, फिगर वन में देखेंगे कि हमें अपोजिट किसके चाहिए, तीन के। फिर आप ये देखिए कि तीन के साथ में जो नंबर आ रहा है वो कभी भी तीन के अपोजिट नहीं आएगा। तो तीन के साथ में दो और चार है तो ये कभी भी तीन के अपोजिट नहीं आएगा। अब तीन के साथ में यहाँ एक और दो है तो ये कभी भी तीन के अपोजिट नहीं आएगा। आप फिगर थ्री पर गए और तीन के साथ में पांच और चार को देखा, यानी कि पांच और चार अगर साथ में आ रहे हैं तीन के, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैंने बार बार, बहुत बार इसको बोल चुका हूँ कि जब भी कोई नंबर जिस नंबर के साथ में आएंगे वो कभी भी उस नंबर के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो तीन के साथ में आ रहे हैं, पांच और चार साथ में आने का मतलब यह है कि ये जो पांच और चार है ये कभी भी हमारे तीन के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो मेरा नंबर बच चुका है दोस्तों छह नंबर, वो मेरा तीन के अपोजिट आएगा, ठीक है। तो छह नंबर इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। जब वो पूछता है आपसे कि तीन के अपोजिट क्या आएगा, अगर मान लो आपको एग्जामिनर ये बोल देता है कि दो के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है, बोल सकता है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे दो, दो के अपोजिट। अब आप देखेंगे कि दो के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो दो के अपोजिट एक हो सकता है, दो तो हो नहीं सकता, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है और छह हो सकता है, ठीक है। अब आप फिगर पर जाएंगे और ये देखेंगे कि दो नंबर के साथ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बस। अब जो नंबर साथ में आएगा वो उसके अपोजिट होगा नहीं। तो फिगर वन में जब आप गए तो दो के साथ में आ रहा है तीन और चार, यानी कि तीन और चार मेरा कभी भी दो के अपोजिट नहीं आएगा। फिगर टू में जब आप गए तो यहाँ देखा कि एक और दो आ रहा है, ठीक है, दो के साथ में एक और तीन आ रहा है तो एक और तीन कभी भी मेरे दो के अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है। आप फिगर थ्री में तो दो है ही नहीं, और फिगर फोर में गए तो आपको पता लगा कि छह और चार ये दो के साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब छह और चार भी दो के अपोजिट नहीं हो सकते। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर बचता है, पांच नंबर, जो दो के अपोजिट होगा। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि दो के अपोजिट क्या आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पांच, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पांच नंबर जो है दो के अपोजिट आएगा। और उस केस में हमारा ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, आज आपको कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस करा दी जाए, फिर जो कंसेप्ट बच गया उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों एक और बहुत ही जानदार सवाल ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये सवाल मुझे इसलिए लेना पड़ा दोस्तों क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका था। मैंने बताया था कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, जो पिछला वीडियो था उसमें एक कमेंट ये आया, मुझे मिला है कि सर वो समझ में नहीं आया, आपने उसमें ऐसे हमें पागल बना दिया एक तरह से, ठीक है। तो वो समझ में नहीं आया मेरे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ वो मेरा पूरा फंडा क्लियर रहता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। और जो चीज़ मुझे नहीं आएगी तो मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस करूँगा आपके सामने, आप खुद सोचिए इस बात को। जो चीज़ मुझे कंसेप्ट जिसका क्लियर है पूरा, मैं वही चीज़ बताता हूँ और वही एग्जाम में आएंगी चीज़ें, ठीक है। आप देखना, आप जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। तो वो कुछ इस तरीके से था कि सर आप वो जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए हमारा, आपने ऐसा कह दिया कि एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं तो आपको थोड़ी पेपर बनाते हो। तो भाई सही कहा उसने, पेपर मैं नहीं सेट करता, ठीक है, लेकिन मैं जो पेपर एग्जामिनर सेट करता है उसके क्वेश्चंस एग्जैक्ट उठाता हूँ उसी कंसेप्ट को लेकर के, ठीक है।
तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और जिसका है वो भी हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है जो मैंने सीधा एसएससी के एलडीसी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सीएचएसएल का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया था ये, और वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर वही आपसे चाहे तो वो ऑप्शंस में इलिमिनेट करा दे आपसे, ठीक है, हो सकता है कि वो ऑप्शंस में इलिमिनेट करा दे, या हो सकता है कि वही चीज पूछे जो बन रही हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन बनाता है तो बहुत दिमाग लगाता है कि बच्चा किस किस तरीके से, आप तो सिर्फ एक तरीके से सोच करके आंसर निकालते हो, एग्जामिनर उसको 10 तरीके से सोचता है कि बच्चा अच्छा ये भी सोच सकता है, ये सोचे तो बंदा कहां तक पहुंच जाएगा, वहां भी ऑप्शन में अवेलेबल रहता है, ठीक है, अच्छा इस तरीके से सोचे तो कहां तक बंदा ले जाएगा क्वेश्चन को, क्या आंसर आ जाएगा, तो वो आंसर भी वहां पर अवेलेबल रहता है, तो इस प्रकार से मल्टी एंगल से सोचता है एग्जामिनर, ठीक है, तो आप तो सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो वैल्यू सेट करता है, जो ऑप्शन सेट करता है आपके लिए, वो बहुत ही सोच समझ के सेट किए जाते हैं, ठीक है, मैं यही बात पहले भी कह रहा था आपको कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा जो बन रहा होगा, ठीक है, कहने का मतलब वही है, मैं इसलिए बोल रहा था कि फिर मैंने आपको चलो क्वेश्चन करा देते हैं, फिर मैंने सोचा एसएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अब कई लोग हैं वो कहेंगे कि एलडीसी के हिसाब से सर डैश करा दो, ठीक है, तो अब आप देखिए दोस्तों सीजीएल में इससे हल्के क्वेश्चन आए हैं, इससे हल्के क्वेश्चन आए हैं, और सीएचएसएल में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देते हैं इन्होंने डाइस का, ठीक है, तो मैं यही आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि एग्जाम्स का कोई भी देखिए डाइस डाइस है, आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे परसेंटेज परसेंटेज है, अगर आप इस तरीके से टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलोगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो ये बातें मैंने इसलिए बताया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया है, एग्जैक्ट ऑप्शंस मैंने लिए हैं आपके सामने इस क्वेश्चन के, मैंने एक भी डेटा चेंज नहीं किया है क्वेश्चन का, ठीक है, एग्जैक्ट लिया है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, चार फिगर दिए हुए थे और बोल रहा था कि चार के विपरीत कितना क्या है, कौन सा नंबर आएगा, है ना, फाइंड अपोजिट नंबर ऑफ फोर, ठीक है, या अपोजिट फेस ऑफ फोर, जो भी एग्जामिनर पूछे आपसे, वहां फेस था कि अगर चार मान लो फलक ऊपर है, हमारा फेस चार है ऊपर की तरफ है, तो बताइए बॉटम साइड में क्या होगा, ठीक है, तो उसका मतलब अपोजिट नंबर से ही था, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जब भी आपको अगर चार फिगर्स दिखते हैं तो सबसे पहले आप रूल नंबर वन लगाने की कोशिश करें, 90% केस में ये संभावना बनती है कि रूल नंबर वन हमारा काम कर जाए और हमारा राइट ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो जैसे ही मैंने रूल नंबर वन लगाया तो मैंने देखा कि यार ना तो इस फिगर में चार है, ना ही इस फिगर में चार है, ना ही इस फिगर में चार है, और ना ही इस फिगर में तो चार है, फिगर नंबर फोर में तो चार है, तो हम चलो लिख ही लेते हैं, बाकी जब मैं ऑप्शन इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं रूल नंबर वन तुरंत नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि लगेगा ही नहीं, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं कि चार जो है इसके अपोजिट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार तो नहीं हो सकता, पांच और छह हो सकते हैं, ठीक है, आप फिगर वन बाय वन करके चेक करते आएंगे, तीन तक आपको चार मिला ही नहीं तो आप अपोजिट पेयर तो अपोजिट तो निकाल ही नहीं पाओगे कि कौन नहीं हो सकता, ठीक है, अब जो फिगर नंबर चार पर जब आप आते हैं तो चार के साथ में लगा हुआ है एक और तीन, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक और तीन तो नहीं होगा, ठीक है, एक और तीन तो मेरा चार के अपोजिट नहीं आएगा, लेकिन क्या इससे मेरा राइट आंसर आ सकता है, अब मैं ऑप्शंस पर गया, ऑप्शन पर मैंने देखा कि तीन पांच छह और एक इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो तीन तो नहीं होगा लेकिन और एक भी नहीं होगा, अब हो सकता है कि पांच हो जाए चार के अपोजिट, या हो सकता है छह हो जाए, तो आप यहां जैसे ही रूल नंबर देखिए, एग्जामिनर की जो सोचने का तरीका है मैं आपको वो डेवलप करा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए इस एंगल से सोचना जैसा एग्जामिनर सोच रहा है, कई बच्चे क्या होंगे कि सर अगर छह ही ना हो तो फिर तो हमारा पांच बच ही गया, फिर तो आप राइट टिक कर सकते हो, अगर पांच ना हो तो छह बच ही गया, फिर तो आप राइट टिक कर सकते हो यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां दो तो है नहीं, अब यहां पर देखिए 50-50% पॉसिबिलिटी है कि छह हो जाए, अब ये तो मैंने दो ऑप्शन तो सीधे कैंसिल कर दिए हैं सी और डी वाले, तो क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते एक और तीन, तो अब या तो छह में से आएगा या छह वाला होगा या पांच वाला होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बची, देखिए एग्जामिनर कहां तक सोच रहा है आपसे, आपने रूल नंबर वन लगाया यहां पर 50-50% पॉसिबिलिटी लाके एग्जामिनर ने आपको संशय में डाल दिया है, ठीक है, अब यहां पर आप चाहकर भी ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते कि जय श्री राम लो छह नंबर पे मार दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है,
ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एग्जामिनर ने यही दिमाग डाला कि यार रूल नंबर 1 लगाएगा लड़का, और रूल नंबर 1 लगा के कहां तक सोचेगा, तो मैं वही ऑप्शन डालता हूं, ठीक है। उसने दोनों ही ऑप्शन डाल दिए तो यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप रूल नंबर 1 लगाने में, हमारा जो रूल नंबर 1 है वो नहीं लग पाया इसमें, फिर आप रूल नंबर 2 की ओर बढ़े, ठीक है। तो रूल नंबर 2 की ओर जब बढ़ोगे तो मैंने यही बताया कि 4 के 7 वाला पेयर देखिए, 4 के 7 वाला पेयर क्या है, चार के सात वाला पेयर है दोस्तों 1 और 3। अब आप ये देखिए कि और इस फिगर को छोड़ करके जिसमें आपने लिया है उस फिगर को छोड़ करके बाकी ये पेयर कहीं पर अवेलेबल है क्या, क्या 1 और 3 यहां फिगर 1 में है, नहीं है। 1 और 3 यहां है, नहीं है। फिगर 3 में है, नहीं है। तो 4 के 7 का जो पेयर है 1 और 3 के साथ में नंबर, ठीक है, के साथ में जो नंबर आएगा वो ही मेरा क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। यही तो मैंने आपको बताया है कि आप ये देखिए कि 4 के 7 वाला पेयर कौन सा बन रहा है, 1 और 3। अब आप इस फिगर को छोड़ करके बाकी फिगर में ये देखिए कि 1 और 3 पेयर कहां पर अवेलेबल है, यहां तो है ही नहीं। तो ये मेरा रोल नंबर 2 भी यहां पर अप्लाई मैं नहीं कर पाया, ठीक है। रोल नंबर 2 भी ये मेरा अप्लाई नहीं हो पाया। देखते जाना एग्जामिनर कहां तक सोच के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और ये CHSL का ही क्वेश्चन है, जिस बच्चे को जिस साथी को ये गलतफहमी हो कि CHSL में हल्के क्वेश्चन आते हैं, CPO में हल्के क्वेश्चन आते हैं CGL से, ठीक है, तो वो अपनी गलतफहमी जरूर दूर करें। यहाँ आप इस तरीके से ही पढ़ें, डाइस पढ़ना है बस, और मैं पढ़ा भी इस तरीके से रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनर की अप्रोच समझिए आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कि एग्जामिनर आपसे रूल नंबर 1 फेल करवा दिया, रूल नंबर 2 भी आपसे नहीं, आप नहीं, आपने तो लगाया, लेकिन एग्जामिनर की जो क्वेश्चन बनाने का तरीका और ऑप्शन सेट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप रूल नंबर 2 भी यहां पर अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब क्या करें, ठीक है। तो अब लास्ट में दोस्तों मेरे पास एक हथियार बचता है, ठीक है, कि मैं 3, 4 या 5, ये तो 5 तो खैर इसका कोई इशू नहीं है, लास्ट में मेरे पास एक हथियार बचता है, जब रूल नंबर 1 4 फिगर अवेलेबल हो, मैंने रूल नंबर 1 और 2 भी लगा के देख लिया नहीं आ रहा, तो फिर मेरे पास एक हथियार है लास्ट में, यूनिवर्सल कंसेप्ट वाला, ठीक है। जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल कंसेप्ट जो मेरे पास बच गया उसको आप निकालें, ठीक है। उसको आप कैसे निकालेंगे वो मैंने वहां भी डिस्कस किया था और यहां भी करूंगा अच्छे से, ठीक है। यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है दोस्तों वो आप देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे जो बोर्ड की साइज है वो शायद इसमें आ नहीं पाएगी, चलिए आ जाएगी, ठीक है। जो लास्ट हथियार बचता है दोस्तों मेरे पास वो बचता है यूनिवर्सल कंसेप्ट। ठीक है, यूनिवर्सल कंसेप्ट मेरा क्या है दोस्तों, ये है क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो लास्ट मेरा हथियार बचता है इस टाइप के क्वेश्चन को, जब मैंने रोल नंबर 1 भी लगा लिया, 2 भी लगा लिया, और फिर भी मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप बिना सोचे समझे वहां पर यूनिवर्सल कंसेप्ट को अप्लाई करें। तो यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी, और क्लियर करता हूं मैं आपको कि आप कैसे, उस लड़के का प्रॉपर डाउट यही था कि सर मैं यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाना नहीं पा रहा हूँ, मेरा यूनिवर्सल कंसेप्ट जो मैं चाह रहा हूँ, मैं तो, आपने तो चलो ठीक है ये फिगर सुन लिए, मैंने तो इसके अलावा सुने हैं, तो उससे तो ऑप्शन अलग ही आ रहा है मेरा। तो उस केस में मैंने आपको कहा था दोस्तों कि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, ठीक है, हम बेवकूफ हो सकते हैं लेकिन एग्जामिनर बेवकूफ नहीं हो सकता, आप इस चीज को गांठ बांध करके रख लेना। वो ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से सेट करेगा कि जो आप यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाएंगे उससे आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, अगर जिसने नहीं लिखा है तो वो लिख ले, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाना है, उस डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, आप मेरे सामने तो हो नहीं, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट होगा वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, आप बेझिझक, मैं तो कहता हूं कि जितने आप पूछ सकते हैं चीजें पूछिए, आपका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पूछने वाले व्यक्ति को मैं कभी नहीं दबाता, आप बेझिझक होके पूछिए, ठीक है, क्योंकि पूछने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर उत्सुकता है उस चीज को सीखने की, उस कंसेप्ट को लर्न करने की,
अगर आपके समझ में नहीं आया है और आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को सीखने के लिए उत्सुक हैं और आप उसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि आप यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाएं। यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान लगा के, कि एक तरह से ये क्लॉकवाइज रोटेशन ही है, रूल नंबर 5 का ही हिस्सा है। लेकिन रूल नंबर 5 में क्या होता है, दो ही डाइस होते हैं, यहां तो 4 डाइस अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल कंसेप्ट के माध्यम से आप ये देखें कि आप कुछ एक फिगर आपको ऐसा लेना पड़ेगा, फिगर 1, 2, 3 एंड 4 में से, जिसमें 4 ऑप्शंस 4 नंबर अवेलेबल हो। ठीक है, ध्यान से सुनना दोबारा, एक फिगर आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, यहां क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आपको एक एक जो फिगर है, एक डाइस है, इस तरीके से लेना है कि उसमें 4 नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो मेरा डाइस 4 ही बचता है, यहां तो फिगर 1, 2, 3 में तो कुछ है नहीं, फिगर 4 में मेरे पास 4 अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डाइस तो कंफर्म हो गया कि मुझे 4 ही लेना है। ठीक, आप डाइस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, डाउट ये है आपके मन में, आपके मन में डाउट मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि हमें भी, मैंने भी पढ़ाया है तो मुझे पता है चीजों का कि बच्चे का डाउट आएगा कहाँ पर, क्योंकि हमने भी चीजें सीखी हैं, तो जो डाउट हमें हमारे को आया था उस समय वो आपको भी आना स्वाभाविक है। आपको जो डाउट है दोस्तों वो ये है कि आपको, आपने चलो ये फिगर तो आपने लेते के सेट कर लिया कि यार चल मुझे 4 के अपोजिट चाहिए, तो मैं कोई एक ऐसा फिगर या एक ऐसा डाइस चुनूंगा जिसमें 4 अवेलेबल हो। ठीक है, 4 नंबर अवेलेबल हो, तो आप यहां पर आपने देखा कि ये डाइस तो मैंने चुन लिया। अब आपके जो डाउट है वो ये है कि सर मैं ये डाइस लूं इसके साथ, या फिर एक के साथ 4 नंबर का लूं, या फिर 2 नंबर का लूं 4 के साथ, या फिर 3 नंबर का लूं 4 के साथ, आपको एग्जैक्ट डाउट है ये। ठीक है, कि 4 नंबर तो आपने ठीक है सुन लिया, आप 4 4 1 लें, 4 एंड 1 लें, 4 एंड 2 लें, 4 एंड 3 लें। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको लेना पड़ेगा। अब मैं हूं, मैंने मान लो कि 1 एंड 4 लेके ऑप्शन निकाल दिया, कोई दूसरा लड़का है वो कहेगा कि सर 2 एंड 4 लूंगा मैं तो 1 एंड 4 तो नहीं लूंगा, तो वो 2 एंड 4 लेगा। फिर एक तीसरा लड़का तैयार होगा, वो कहेगा सर मैं तो 2 1 भी नहीं लूंगा, 2 भी नहीं लूंगा 4 के साथ में, मैं तो 3 वाला लूंगा, 3 एंड 4 लूंगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का नाम ही आप देखिए यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट जब लास्ट में आप इसको हथियार बना के यूज करें, एक तरह से ब्रह्मास्त्र है ये इस डाइस का। ठीक है, आप इसे अप्लाई करके डेफिनेटली आंसर आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो अब आपने, मैंने फिगर का सिलेक्शन बताया आपको कि आपने एक फिगर तो ऐसा चुन लिया जिसमें 4 अवेलेबल है जो क्वेश्चन ने पूछा है जिसके अपोजिट। ठीक है, अब दूसरे फिगर का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखिए, दूसरे फिगर का तो चुनाव करते समय आप ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, क्या क्या ध्यान में रखना, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर। दूसरे फिगर का चुनाव करते समय आप एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जो भी फिगर में, जिस फिगर को हमने लिया है उसमें जो अंक अवेलेबल है, एक जैसे यहां पर 1 है 3 है 4 है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंक ही कॉमन होना चाहिए इन दोनों फिगरों में। अगर देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है, आप दूसरे फिगर का सिलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, कि 1 3 और 4 इस फिगर में अवेलेबल है, तो जो भी आप फिगर लेंगे, जो भी आप डैश का सिलेक्शन करेंगे, उसमें इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन चाहिए, या तो वो सही 1 मिल जाए आपको, या 3 मिल जाए, या 4 मिल जाए। 2 नंबर जिस फिगर में होंगे उसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज कंसेप्ट लग ही नहीं पाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जिसको डाउट है वो पिछले वीडियो को फॉलो करें, ठीक है, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मेरा मुद्दा इस क्वेश्चन के साथ आपको ये समझाना है कि आप फिगर का सिलेक्शन करें तो कैसे करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कि कोई ये भी कह सकता है कि सर मैं तो 4 और 1 लूंगा, कोई 4 और 2 भी बोल सकता है, कोई 4 और 3 भी बोल सकता है। ठीक है, वो अपना अलग अलग नजरिया है देखने का, मैं तो कहता हूँ सारे लो ना, जो ले ले सकते हो आप सभी लो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है।
ठीक है, ये सब जगह लगेगा। तो मैंने एक तो चलो आपने सुन लिया कि एक फिगर का चुनाव तो आपने कर लिया कि जिस फिगर को, जिस भी नंबर को के अपोजिट एग्जामिनर आपसे पूछा है, आप देखिए कि वो नंबर किस फिगर में अवेलेबल है, उस फिगर का आपने सिलेक्शन कर लिया। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहली बात मैंने बता दी, दूसरी बात आप ये देखिए कि जो 4 नंबर आपने लिया है इसके साथ साथ में कौन से नंबर है, 1 3। तो अब आप ये देखिए कि 1 3 और 4 इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा फिगर चुनना है जिसमें से इन तीनों में से एक नंबर, कोई भी एक नंबर, चाहे वो 1 हो सकता है, चाहे वो 3 हो सकता है, और चाहे तो वो 4 हो सकता है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही कॉमन होना चाहिए। जैसे आप फिगर 1 पर गए और आपने देखा कि यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यहां 6 है, 6 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, मतलब हमारा फिगर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है और हम फिगर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिगर 1 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया फिगर सिलेक्शन का यही है कि इस ये जो 3 नंबर है, 1 3 और 4, इसके साथ में 1 3 और 4, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो हम फिगर लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आएगा, वो एक नंबर आएगा, एक नंबर यहां भी है, एक नंबर यहां भी है। अब आपके पास इस फिगर में 3 और 4 में से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो ये फुलफिल कर रहा है पूरी रिक्वायरमेंट को फिगर सिलेक्शन की, तो हमने फिगर 1 ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं। फिर आपने क्या किया, फिगर 1 से क्लॉकवाइज कंसेप्ट का ये यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो बस दोस्तों फिर अब इतना सिलेक्शन के बाद आपने ये फिगर छोड़ दिए, फिर ये रूल नंबर क्या बन गया, 5 बन गया आपके लिए, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा था आपको कि रूल नंबर 5 वही है जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट में थोड़ा सा क्या है कि हमें और सोचना पड़ता है, रूल नंबर 5 में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर 2 ही फिगर अवेलेबल है। रूल नंबर जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है उसमें हम सोच करके निकालते हैं कि 2 फिगर है तो वो कौन कौन से हैं, बस उसके बाद तो रूल नंबर 5 अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्शन ले लिया कि सिलेक्ट कर लिया कि फिगर 1 और फिगर 4 मेरे लिए सही है। अब आप बढ़िए आगे, अब आपने देखा कि एक नंबर यहां भी है, एक नंबर यहां भी है, तो फिगर 1 जब आपने सेलेक्ट किया दोस्तों, ठीक है, फिगर 1 जब आपने सेलेक्ट किया तो 1 के क्लॉकवाइज आपने रोटेशन लिया, 1 के क्लॉकवाइज गए तो आया 6, और 6 के जब आप क्लॉकवाइज गए तो आया 5, ठीक है। इसी तरीके से आप फिगर 2 पर गए, फोर पर गए, ठीक है, फिगर 4 में 1 मेरा कॉमन है, 1 के जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो आ गया 3, और 3 के जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लोगे तो आएगा 4, ठीक है। एक बार मैं इसको भी मिटा रहा हूं, वापस इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, ठीक है। तो अब आपने 4 और 1 फिगर के माध्यम से ये निकाल लिया, अब आपको क्लियर हो गया कि 6 के अपोजिट आ गया 3, 5 के अपोजिट आ गया 4, और जो बच गया क्या बच गया, 2, वो हो गया मेरा 1 के अपोजिट, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत इस, अगर मैं 4 और 1 फिगर को सिलेक्ट करता हूं तो इसके हिसाब से 4 के विपरीत आ रहा है 5, तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 5, तो मेरा ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है दोस्तों। आप ज्यादा ना सोचे उस केस में और ऑप्शन पर राइट टिक करके आगे बढ़ जाए, एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं। अब मैं जिस बच्चे को ये डाउट है कि सर आपने जो 2 ही क्राइटेरिया बताए फिगर सिलेक्शन के, तो भाई बिल्कुल 2 ही बताए हैं, ठीक है दोस्तों, 2 ही बताए हैं फिगर सिलेक्शन के क्राइटेरिया। तो एक दूसरा बच्चा बोला कि सर आपने कहा कि आप उस नंबर को ढूंढिए फिगर में जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो चलो ठीक है आपकी बात मान ली कि फिगर 4 तो मैंने ले लिया, ठीक है 4 तो ले लिया क्योंकि 4 नंबर फिगर में 4 अवेलेबल है। फिर आपने ये कहा कि दूसरा फिगर आप ऐसा चुने जिसमें ये जो 3 नंबर है, 1 3 और 4, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही आपको दिखना चाहिए। तो सर मैं जो फिगर 2 ले रहा हूं उसमें भी तो 3 ही है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, आप यही तो कह रहे हैं कि 1 3 और 4 में से कोई भी एक नंबर, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, 1 से ज्यादा नंबर वहां अवेलेबल नहीं रहने चाहिए दूसरे फिगर जो आप ले रहे हैं, क्योंकि
जब मैंने फिगर टू लिया तो मैंने देखा कि फिगर टू में भी तीन ही नंबर एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, और आपकी क्राइटेरिया भी यही है कि कोई एक नंबर कॉमन चाहिए आपको इन दोनों फिगरों में, बाकी एक और चार तो यहां है नहीं, तो इसका मतलब मैं दो नंबर फिगर भी ले सकता हूं। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, निश्चिंत होके ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब आपने लिया, कोई दूसरा बच्चा ने कहा कि सर मैं तो चार और दो ले लिया मैंने, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया जो फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है मेरा, तो मैंने चार और दो ले लिया, ठीक है। तो वो चार और दो से जब उसने किया, तो फिगर टू से जब वो निकाला है कि तो अब ये रूल नंबर फाइव यहां पर शिफ्ट हो गया है, ये क्वेश्चन यहां तक आ गया, आपका फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होते ही ये रूल नंबर फाइव लग जाएगा फिर सीधा, ठीक है। फिर ये रूल नंबर फाइव पर शिफ्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल कंसेप्ट, ठीक है। तो फिगर टू में जब आप गए दोस्तों, तो आपने देखा कि तीन कॉमन है, तीन के जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आता है पांच, और पांच के जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तो आता है छह। आप जैसे ही फिगर फोर में गए, तो फिगर फोर में क्या है, वही है, तीन के जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आता है चार, और चार के जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आता है एक। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से भी जो आपने फिगर सेलेक्ट किया, इसके हिसाब से भी इसके अपोजिट आ रहा है पांच के अपोजिट चार, चार के अपोजिट आ रहा है पांच, तो इसके हिसाब से भी हमारा ऑप्शन क्या आएगा, पांच ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको एग्जामिनर की अप्रोच देखते हुए चलना, मैं यही इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जामिनर की अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जामिनर आपके सामने कैसे कैसे अप्रोच रखता है, ठीक है। अब कोई लड़का है वो कह रहा है कि सर ठीक है, आपने पहली अप्रोच भी बता दी, दूसरी बता दी, आपका जो फिगर, आपको यही तो कह रहे हो कि फिगर सेलेक्ट करने हैं दो, कोई भी दो डाइस सेलेक्ट करने हैं, तो एक तो मेरा फिक्स है ही, क्या वो जो नंबर जिसने एग्जामिनर ने पूछा है, जिसको एग्जामिनर ने पूछा है, जैसे चार नंबर यहां पर पूछा है, तो एक तो मेरे चार नंबर वाला फिगर है जिसमें चार नंबर अवेलेबल है, तो मैं तीसरी अप्रोच जिसने डाली, हो सकता है कि तीसरे बच्चे के दिमाग में हो कि चार नंबर तो चलो मैं ले लूंगा, लेकिन आपका जो दूसरा फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यही तो है कि इन तीन नंबरों के अलावा, एक तीन और चार के अलावा जो दूसरा फिगर आप ले रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इनमें से कोई एक नंबर दिखना चाहिए, बाकी नंबर नहीं दिखने चाहिए। जब आप फिगर तीन पर गए, उसकी नजर मान लो पास पड़ोसी पर ही पड़ गई सीधी, ठीक है। एग्जाम में यही तो होता है कि हमने देखा कि यार तीन ही चाहिए, एक कॉमन, एक नंबर कॉमन चाहिए, तो एक नंबर क्या है इसमें, एक जो कॉमन नंबर है वो तीन नंबर है। उसके बाद उसने देखा दो भी नहीं है पांच भी नहीं है, तो मेरा फिगर तीन सेलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है, चार एंड तीन ले लिया, ठीक है। तो फिगर चार एंड तीन से क्या किया उसने, जब वो फिगर तीन से बात करेगा तो वो रिजल्ट निकालेगा कि फिगर तीन में देखिए एक तीन नंबर मेरा कॉमन है दोनों में, तो तीन के क्लॉकवाइज जब वो चलता है तो आता है क्या, दो, और दो के जब वो क्लॉकवाइज चलता है तो आता है पांच। ऐसी तरीके से फिगर फोर में जब वो तीन के क्लॉकवाइज चलता है तो आता है चार, और जब वो चार के क्लॉकवाइज रोटेशन लेता है तो आता है एक, ठीक है दोस्तों। जिस बच्चे की नजर पड़ोसी पे पड़ी, यानी कि चार नंबर का फिगर उसने देखा और चार से सीधा उसकी नजर तीन पर ही पड़ गई, और उसका भाई क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही इस तरीके से सेट किया है कि क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन जरा आप नजर मारिए दोस्तों, यहां पर चार के अपोजिट जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है दो, ठीक है। तो क्या अब देखिए, एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है कि बच्चे की सीधी नजर पड़ेगी पड़ोसी पर, ठीक है, वो पड़ोसी के हिसाब से आंसर निकाल लेगा, सेलेक्ट तो कर लेगा लेकिन वो निकाल लेगा दो। अब वो देखेगा कि दो तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हड़बड़ाहट करेगा, फिर कोई और रूल लगाएगा। तो आप और रूल ना लगाएं, अगर आपसे जब भी चार फिगर दे रखे हैं और आपने रूल वन भी अप्लाई करके देख लिया, रूल टू भी अप्लाई करके देख लिया, तो फिर आप यूनिवर्सल कंसेप्ट को ही अप्लाई करें, ठीक है, क्लॉकवाइज जो कंसेप्ट है इसको अप्लाई करें, इसके अलावा और ज्यादा जगह शिफ्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे यहां पर रूल नंबर इस पर शिफ्ट हो गए तो अच्छी बात है, जब आप पड़ोसी पर नजर मारी तो आपने देखा कि फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया, और इस तरीके से आपने देखा कि चार के अपोजिट आ रहा है दो, जबकि एग्जामिनर तो दिमाग लगा के ऑप्शन सेट किए हैं उसने, चार के अपोजिट दो है, नकार नहीं रहा आपसे एग्जामिनर, लेकिन वो चाहता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव दो आप,
ठीक है। तो चार के अपोजिट दो है, लेकिन दो तो इस ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आप और कोई फिगर से ट्राई करके देखिए, चार और एक से ट्राई किया तो आपके पास मिल गया पांच, और पांच जैसे ही आपको मिले आप टिक करें और आगे बढ़े, ठीक है। कोई लड़का है वो दो के साथ ट्राई करेगा चार और दो के साथ, तो भी यहां पर पांच मिल रहा है, कल को कुछ मान लो और भी मिल जाए, ठीक है। जैसे यहां पर अगर दो आ गया है देखो चार के अपोजिट, तो दो यहां ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा था, और जैसे जिस बच्चे ने चार और दो लिया उसके हिसाब से भी पांच पांच ही आ रहा है चार के अपोजिट, तो उसका हिसाब से भी पांच नंबर हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको दो चीजें क्लियर की हैं। एक तो फिगर का सिलेक्शन कैसे करें, कब, जब रूल नंबर वन और टू हमारा फेल हो जाए तो हम यूनिवर्सल कंसेप्ट अप्लाई करें और वहां से डेफिनेटली उत्तर आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल कंसेप्ट कुछ नहीं है, फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। तो हमारे को दो ऐसे फिगर सेलेक्ट करने रहते हैं, फिर उसके बाद हम रूल नंबर फाइव अप्लाई कर देते हैं वहां पर, रूल नंबर फाइव मतलब क्लॉकवाइज कंसेप्ट हम वहां पर अप्लाई कर लेते हैं। फिगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बताया, क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं फिगर सिलेक्शन के में वो सब मैंने क्लियर किए, और कैसे एग्जामिनर ऑप्शन सेट करता है, ठीक है, कैसे आपकी नजर पड़ती है पड़ोसी पर, और एग्जामिनर ऑप्शन ही किस इस तरीके से सेट है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है एग्जाम के, मेरे बनाए हुए नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर के एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो वहां तो जैसे आपने देखा कि चार के अपोजिट दो है, दो तो यहाँ है नहीं, फिर आप और कहीं शिफ्ट ना हो, आप और कोई फिगर ऐसा ढूंढे जिसमें कोई एक नंबर कॉमन मिल रहा हो आपको, ठीक है, ऐसा ढूंढे आप और करें। जैसे आपने ढूंढा चार और दो, फिर चार और दो के हिसाब से आपने को पांच मिल गया, पांच वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने किसी बच्चे ने चार और एक देख लिया तो उसके हिसाब से भी पांच ही आ रहा है, तो पांच हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने मेरा पूरा बेस्ट किया है दोबारा से इसको समझाने का, और फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट ही कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा तो करेंगे भी क्या, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया है, जो मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियरली डिस्कस की है आपसे, बहुत क्लियर वे में डिस्कस की है, ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं। और ठीक है, इस वीडियो की लेंथ देख लेते हैं एक बार, 37, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अभी और आएंगे वीडियोज, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डाइस खत्म नहीं हुआ है, जिस दिन आपको बोलेंगे डाइस खत्म है उस दिन खत्म है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों। और आप इस चैनल को यार शेयर जरूर करो यार, है ना, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, और देखिए मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एक वीडियो की रिकॉर्डिंग में कितनी मेहनत लगती है। जिस दिन आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो की रिकॉर्डिंग में। 30 मिनट का वीडियो, 25 मिनट के वीडियो में भी आपको 1 घंटा देना पड़ता है, तब जा करके वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है प्रॉपर वे में, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस को लिखना, अलग अलग मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, फिर वो एडिट करना, फिर अपलोड करना, उसमें टाइप करना, तो हजार लफड़े हैं यार। आपको तो सिर्फ पढ़ने को मिल रहा है सीधा सीधा, आप पढ़िए, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन इस चैनल को आप प्रमोट जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको प्रमोट नहीं कर पाओगे तो शायद फिर हमारा भी मनोबल टूटता है, ठीक है, तो हम भी उस वे में काम नहीं कर पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि यार आप अच्छा करें, लेकिन वही है, कुछ प्रमोशन ही नहीं है, तो बस जितना चल रहा है उतना चलाते रहेंगे, ठीक है, जिस दिन प्रमोशन मिलने लगेगा उस दिन अच्छा करेंगे, और बेहतर, और मतलब और ज़्यादा समय के लिए वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चैनल को प्रमोट करने पर ध्यान दें और पढ़ें बस, बाकी जो कंटेंट का सिलेक्शन है वो सब मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, आपको जो एग्जाम दोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और जो एग्जाम दे चुके होंगे उनको तो पता लग गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इतना ही कहेंगे आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।